प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशंस खत्म नहीं हुई, प्री बोर्ड्स बीच में आ गए। मेरे टाइम में बोर्ड्स में मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग यही लगता था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मस्त हैक बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारा सारा प्री बोर्ड का टेंशन सॉल्व हो जाएगा। तीन क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में चलते हैं। पहला होता है कि क्या हमें प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए अलग अलग पढ़ना है, तो इसका आंसर है नो। जो आप बोर्ड्स के लिए टाइम टेबल बनाया है, जिस हिसाब से जिस फ्लो से आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही पढ़ो। बस आपको करना क्या है, जिस दिन आपका प्री बोर्ड है उससे एक या दो दिन पहले आपको केवल उन चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है जो अभी तक आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। दूसरा, जब आप प्री बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो मेक श्योर यार अपने टीचर्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो पेपर टीचर सेट करते हैं, स्कूल में सेट होता है। टीचर्स जिस टॉपिक्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे होते हैं उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हो आप। तीसरा, कि आपको प्री बोर्ड से सारा सिलेबस करके जाना होता है तो बिल्कुल भी नहीं, केवल वही चैप्टर्स पढ़ो जो आपके हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो प्री बोर्ड से एक या दो दिन पहले पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जब आप प्री बोर्ड देके आओगे आपको दोबारा वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप केवल उस टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए उसको रिकॉल करके पेपर में लिखोगे। सो मेक श्योर टू फॉलो क्रिएटिव लर्निंग फॉर मोर सच वीडियो।